क्वेश्चन है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर, मैंने जानबूझ के बॉक्स में क्या रखा है, क्लोज, हर तरफ से बंद है, एयर का बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है और ये कंटेनर बिल्कुल भरा पड़ा है पानी से, एयर है ही नहीं, एयर है तो एयर का प्रेशर लग जाएगा, बिल्कुल बंद कर देना है, सील कर दिया, सिर्फ पानी है और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जब ये मोशन में आएगा, जब ये एक्सलरेट करेगा, तो आपका डायग्राम देखो, पानी तो हिल नहीं सकता क्योंकि वो तो वहीं खड़ा है, बिल्कुल इनक्लोज्ड है, पर मैं ऐसा बना दूंगा डायग्राम कि इसके ऊपर क्या लग रही है, सूडो फोर्स, कुछ ऐसे थीटा एंगल पे, तो मतलब जस्ट मतलब जाने की कोशिश कर रहा है पर वो इनक्लोज्ड है, पूरी तरह भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली निकलेगा तो है नहीं, तो मैं डायरेक्शन ऐसे ही शो कर रहा हूँ इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रही है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, पहला पॉइंट वो पूछेगा क्लोज फ्रेम में, ये कोने का पॉइंट, कोने के पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, एयर है नहीं, एटमोसफेयर से तुमने इसको छुपा लिया है, तो बिल्कुल बंद है, एनक्लोज्ड है, तो कोई हवा का प्रेशर लगेगा नहीं, तो एटमोसफेरिक प्रेशर तो नहीं लगेगा, पानी का प्रेशर लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई पानी का पहला ड्रॉप है, ये कोने का ड्रॉप है, तो यहाँ पर नेट प्रेशर क्या आएगा, जीरो। क्लोज्ड में जीरो कर देना है, ओपन में जीरो नहीं है, अगर यही कंटेनर ऊपर से खुला होता तो फिर यहाँ प्रेशर क्या होता, पी एटमोसफेरिक हो जाता, तो क्लोज कंटेनर में बिल्कुल सील्ड है तो ये पी ऑफ ए आ गया, और अगर यहाँ हवा भी होती तो हवा का प्रेशर भी ले लेते पी, जो भी एयर का प्रेशर है, वैक्यूम होता तो पी एटमोसफेयर नहीं लेते, फिर छोड़ देते, एटमोसफेयर हटा दिया आपने तो वैक्यूम आएगा क्वेश्चन में, कभी कभी वो क्या करेगा, पानी भर देगा ऊपर, वैक्यूम कर देगा, अगर वैक्यूम करेगा और बंद कर देगा फिर एटमोसफेयर में लेना, मिलने बात छोड़ देना, तो सिर्फ लिक्विड लेना, तो ये यहाँ पर तो पी जीरो हो गया। अब मान लो आपने एक पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट लिया, क्यू पॉइंट पे इक्वेशंस कैसी बनेंगी प्रेशर की वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल में लगा लिया, चलो हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू माइनस पी बी, पी क्यू माइनस पी बी इज एच रो जी की जगह एल रो जी की जगह क्या पुट करेंगे, ए, तो क्या आ गया आपके पास, प्रेशर डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल लगा दिया, ठीक है यहाँ तक। अब सेम चीज़ वर्टिकल में लगाएं, ए और बी में, ए और बी में बी का प्रेशर ए से ज़्यादा है, तो पी बी माइनस पी ए क्या लगेगा, अब ये हाइट एच है तो ये हाइट भी एच है, तो पी बी माइनस पी ए क्या लगेगा, एच रो जी, क्योंकि वर्टिकल एच ही, पर क्योंकि पी ए का प्रेशर क्या है, जीरो, तो पी बी का प्रेशर क्या आ गया, एच रो जी। तुम इस पी बी के प्रेशर को यहाँ भी पुट कर सकते हो, ये पुट कर दिया तो यहाँ से क्यू का प्रेशर आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शन देगा वो, मतलब तुम्हें कोई भी ऐसा कंटेनर दे देगा, मतलब ये करना क्या है तो बात की बात है, बस इतना समझ में आना चाहिए कि तुम्हें एक इक्वेशन वर्टिकल में लगा लेनी है, एक तुमने किस में लगा लेनी है, हॉरिजॉन्टल में, अपने आंसर आ जाएगा। नहीं है पॉइंट, रुको, पी क्यू में यहां पे हाँ लगा सकते हैं, ये जीरो मान के पी क्यू माइनस पी ऑफ दिस जीरो लगा सकते हैं, ठीक।